Hello and good afternoon. Thank you so much for being with us here today. This film is actually special to us for many reasons. Of course, it marks the debut of yet another director that Dharma Productions has launched. And thanks to Shashank, he has actually, he's been a solid mentor to so many of his directors. And we've had Raj Mehta, who's given us a lot of good news at the end of the year. And now we have Bhanu coming in to scare us in February. For us at Dharma Productions and at ZEE, I think our endeavor is to create a franchise with this, a horror franchise. Now, Dharma Productions has dabbled with horror in 2005, and that was a scary experience for us. But we intend for the fear to be in the film and not out of it. So I hope that the audience globally, worldwide, and all of India gives this film, Bhoot, The Haunted Ship, all the love so we can do Bhoot 2 and something else along with that. I'm going to actually show you the trailer, which we're all very excited and chuffed about. The film releases on the 21st of February, and this is our first look, and then we'll chat lots later. Thank you. All right, ladies and gentlemen, thank you so much again for being with us. This is our core team. Before I actually call on to questions, there's one important person I'd like to share the stage with. This is Sumin Mishra, who actually heads our project development team at film and digital, and has been a very strong resource. At least to me, he has been a very strong creative resource, because there's only that much creativity that possibly exists in me, and some may even argue with that at all. But I think he's been a solid support, so thank you, Sumin. So this is the core team of Bhoot, and we're very happy to take your questions related to the film and ask related to the film, and that's what we would really like. सवाल आपसे जिस तरीके से परी में अनुष्का शर्मा ने डेयर किया कि उन्होंने लीड रोल किया, स्त्री बहुत अच्छी हिट हुई, क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले जो ए लिस्ट के जो आर्टिस्ट होते थे वो नहीं आते थे सुपरनैचुरल सब्जेक्ट में, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से फ्रंट में आ रहे हैं, तो क्या इसका कारण ये है कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो इस सब्जेक्ट को, इस तरह के जॉनर को सपोर्ट कर रहे हैं? आई थिंक ये ऐसा जॉनर है मैम, जैसे आप जानते हो कि वर्ल्ड वाइड ये बहुत पॉपुलर जॉनर है, इट्स वेरी ऑडियंस फ्रेंडली. हमने सब देखा होगा द कंज्यूरिंग सीरीज एंड वेरियस अदर आइकॉनिक हॉरर फिल्म्स, बहुत ही पॉपुलर जॉनर है. सिर्फ हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत कम बनता है. एक किस्म का टेम्पलेट हॉरर फिल्म बन चुका है मच बिफोर द 80s, इवन बिफोर दैट 90s में, इन द 2000s बहुत सारे ऐसे हॉरर एक्सपीरियंसेस रहे हैं. बट आई हैव टू से, एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज इट्स आवर फिल्म, कि हमारी जो फिल्म है वो प्योर हॉरर है. इसमें हमने ना गानों का सहारा लिया है, जो एक फिल्म में एक छोटा सा मोन्टाज गाना है, बट देयर इज नो, वी आर नॉट प्रमोटिंग सॉन्ग्स. इसमें ऐसे कोई टिटिलेशन वाली बात नहीं है, इट्स अ सॉलिड स्टोरी टेलिंग ऑफ अ हॉरर फिल्म. तो मेरे हिसाब से ये दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड आई होप एंड आई एम ग्रेटफुल दैट विकी कौशल हेल्म द फिल्म विद अस, क्योंकि इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ऐसी फिल्में बन सकती हैं, हम इसी फ्रेंचाइज को आगे ले जाना चाहते हैं. एंड आई जस्ट थिंक इट एम्पावर्स अस व्हेन वी हैव स्ट्रांग टेक्नीशियंस एंड स्ट्रांग आर्टिस्ट हु एक्चुअली कंट्रीब्यूट अलोंग विद अस टू अ जॉनर, ऐसा जॉनर जो ज्यादा हमें ज्यादा दिखने को नहीं होता. हाय करण, यू आर राइट दिस साइड. माय क्वेश्चन इज फॉर यू एंड विक्की. सो माय क्वेश्चन इज कि पहली बार धर्मा एक हॉरर फिल्म में हाथ आजमाने जा रहा है, तो क्या ऑफ स्क्रीन कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है कि आपको डर लगा हो? विकी, ये सवाल का जवाब तो देना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत मुझ पर हंस रहे थे ये ट्रेलर देखते हुए. मैं करण से कह रहा था, व्हेन द ट्रेलर वाज बीइंग प्लेड, सो आउट ऑफ एवरीवन एल्स करण मस्ट बी द वन पर्सन हू सीन द ट्रेलर द मोस्ट. एंड यहाँ अभी तक कुछ म्यूजिक भी नहीं आया था, वो भूत आया भी नहीं था, और यहाँ ऑलरेडी रिएक्शन मिलने शुरू हो गए थे. तो मैंने कहा आप बहुत गलत ऑडियंस हो एक हॉरर फिल्म के लिए, कि डायरेक्टर इन एनी केस सोचेगा कि ये तो बहुत अच्छी पिक्चर बना ली मैंने. सो बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, मी करण एंड शशांक, ऑल थ्री ऑफ अस आर वेरी स्केर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स, very very scared of horror films. He's the only guy who's very very enthusiastic, and that's how it should be. So hum safe hands mein the ki director at least hai ki wo horror film mein dekhte hain aur horror film mein wo pasand karte hain. Par kya aapke sath koi aisa hadsa hua hai off screen? हादसा अब वो हॉरर का तो मुझे पता नहीं. हाँ, छोटे मोटे मतलब ऐसे हो जाता था कि सीढ़ी गिर गई, तो हमें बड़ा मजा आता था कि शायद भूत है सेट पे ये बोलना, या दरवाजा सिर पे गिर गया तो ऐसा लगता था. तो एक्सीडेंट भी हुए, पर ऐसा कुछ नहीं कि हॉरर कुछ हुआ हो. बट और हम बहुत एक्चुअली इक्विप्ड है ऑलरेडी, हम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जीते जाते बहुत सारे भूत भी हैं, तो भूत से डर नहीं लगता अभी हमें. मैं
second question is for Vicky only. इतने सारे रोल्स और वेरिएशन करने के बाद जस्ट अ स्टार्टअप ऑफ योर करियर, सो एज अ कौन सा रोल है जो आपका ड्रीम जॉब होने वाला है? लाइक तक में भी आप नजर आने वाले हैं, एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, लेकिन अब कौन से रोल में विच इज योर ड्रीम रोल? मेरा एक्चुअली इन दिस लाइनअप काफी ड्रीम्स पूरे हुए हैं. हॉरर मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगा और मैं करना चाहूंगा, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई रियली फेल इन लव, बिकॉज मुझे सच में बहुत डर लगा ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल ओनली, पढ़कर ही. तो मुझे लगा ये ऑडियो विजुअल में जब कन्वर्ट होगा तो बहुत ज्यादा वो एक्सपीरियंस अच्छा होगा, सो आई जस्ट जंप्ड इनटू इट. बट यस अगेन फॉर तख्त इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम टू यू नो प्ले अ हिस्टोरिकल फिगर एंड अ कैरेक्टर एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विच इज उस दौर में है जो हमने देखा नहीं है और वो फिल्म के जरिए हम ऑडियंस तक पहुंचा सके. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. हेलो हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव हॉरर फिल्म्स. तो एक तो वो था कि फिल्मों से पहला प्यार, आई नो नो वन सेज दैट, बट मेरे लिए पहला प्यार मेरी हॉरर फिल्म में थी एंड आई इंसिस्टेड बिकॉज I worked with Shashank Khaitan on Humpty Sharma Ki Dhurma. I was his assistant director. So, jab main inke paas ideas leke gaya tha, Dharma hai, romantic comedy banayega, horror to dur dur tak nahi banayega. So, even I was writing a romantic comedy aur main Shashank ke paas gaya ki maine kya idea likha hai, ye bahut acha hai. To Shashank ne suna aur 2 ghante baad mujhe phone kiya ki nahi kaam karega aur kuch naya idea hai. ऐसा नहीं हुआ था. इन्होंने आइडिया लाके दिया कि उन्होंने जो फिल्म पिच की थी वो एग्जैक्टली हम्प्टी शर्मा की कॉपी थी. तो मैंने बोला यार मैंने कम से कम डीडीएलजे की कॉपी बनाई, तुम कम से कम कोई आइकॉनिक फिल्म की तो कॉपी बनाओ. एंड देन प्लीज कंटिन्यू. तो फिर मैं इसके एक आइडिया लेके गया. मैंने कहा देख ऐसे ऐसे है, शिप पे मेरा एक आइडिया, ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था और मेरे को लगता है इसमें पूरी एक फिल्म है और एक हॉरर फिल्म है. सो पर मुझे लगता नहीं कि धर्मा प्रोड्यूस करेगा. वो कहता क्यों नहीं, कहता करते हैं ना तू लिख, धर्मा को शॉक करते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट लेके जाएंगे वो कहेंगे पागल हो गए हो, और फिर जब वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है. सो आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज शशांक हैज इंस्पायर्ड मी एंड ही वाज द मेन रीजन दैट आई गॉट ऑन टू द पेपर एंड स्टार्टेड राइटिंग दैट फिल्म एंड फिनिश्ड राइटिंग एंड देन वी पिच्ड इट टू करण एंड I have no booth moment personally, but I remember हम शूट कर रहे थे कुछ कुछ होता है के लिए. We were shooting in Scotland. और वो स्कॉटलैंड की सड़कों पर और जंगल्स में और ये एक लॉकनेस मॉन्स्टर की बहुत चर्चा होती है कि there's a लॉकनेस मॉन्स्टर इन दैट एरिया एंड टेरिटरी. तो मैं एक्चुअली सो रहा था, हम एक इन में रह रहे थे और दो दिन बाद हम टाइटल सॉन्ग शूट करने वाले थे कुछ कुछ होता है का, बट फारा खान मेरे साथ थी रेकी पे. तो हम देखते हम सूप पूप सैलेड वैलेड खा के बड़ा हेल्दी स्टाइल हम बेडरूम चले गए सोना, जल्दी उठना था. तो कुछ करीबन 10 या 11 बजे धाक 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 मेरे दरवाजे पे कोई बैंग करा था. तो लिटरली आई गॉट अप विद अ स्टार्टल एंड आई वेंट टू द डोर. इट वाज फारा खान जो कोई मिकी माउस पजामा सूट में पहनी हुई, विच वाज वेरी क्यूट एंड माइल्डली स्केरी एज वेल. बट शी सेड के आई स्वेयर मेरे कमरे में कोई भूत है. आई फेल्ट द प्रेशर ऑफ समथिंग ऑन मी. And I was like, "What are you saying?" So she's saying, "I'm telling you, I cannot sleep in my room. I have to share the room with you." So that's why she slept, and she was afraid right through that night. She kept looking left, right, कि कोई है, and she got me a little worried. मैं ऐसे ठीक था, लेकिन उसका खौफ देखके मैं ज़्यादा डर गया. So that's the unique, close to ghost story that has happened in my life. Hi, मेरा नाम रवि गुप्ता है from Filmy Fever. My question is to Vicky and Apurva. In front of you, in camera row, here. विकी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा जो ट्रेलर है शानदार, दिमाग को हिला दिया है इस ट्रेलर ने. थैंक यू. सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कोई भी किरदार निभाते हैं तो एक माइंडसेट आपका रहता है, ठीक है. उरी में हमने अलग माइंडसेट देखा, ये टोटली एक अलग जॉनरा है. यहाँ पे आपने किस तरह का प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए यू नो इनैक्ट किया है पूरा किरदार? यहाँ पे एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था हॉरर जॉनर, बिकॉज देर वर सम थिंग्स विच आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एज एन एक्टर. जैसे हर बाकी अगर कोई कॉमेडी करें या ड्रामा करें, कोई इमोशनल सीन करें, सो बिटवीन एक्टर्स यू कैन लीव इट टू द मोमेंट ऑल्सो. कि आप एक हद तक रिहर्स करते हो एंड देन यू सी कि उस मोमेंट पे क्या फील आएगा एंड देन यू लीव इट टू द मोमेंट ऑल्सो. यू सरेंडर इट टू द मोमेंट एंड देन यू क्रिएट समथिंग कि उस मोमेंट पे कुछ आ गया यार, वो शायद अगले टेक में भी ना आए. बट हॉरर एक जॉनर ऐसा है जहां पे अब जब आपने ट्रेलर देख लिया है तो यहाँ पे मुझे सब कुछ जानना पड़ रहा था कि अच्छा मुझे पता है कि अगर मैं चलूंगा तो 5 कदम बाद दरवाजा खुलेगा अपने आप.
तो ये मुझे पहले से बताया गया है, तो मुझे पता है कि ये होगा और उसका रिएक्शन मुझे देना, आई कांट लीव एनीथिंग टू द मोमेंट. सो ये काफी टेक्निकल और यू नो बड़ा डिटेल सा हो जाता है, बहुत ट्रिकी सा हो जाता है स्पेस, जो मैं पहले मैं एक्सपोज नहीं था उसके लिए. जैसे जो कई बार होता है कि कुछ कुछ चीजें आप पोस्ट में क्रिएट करते हैं, तो इस बार पहली बार था जब मैं डायरेक्टर से पूछ रहा था यार कि तुम बैकग्राउंड कैसा सोच रहे हो, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा सोच रहे हो, बिकॉज कई बार वो भी हो सकता है कि आप एक रिएक्शन दो और म्यूजिक आ रहा है तो आपका रिएक्शन चल जाएगा, शायद वो अगर साइलेंस में खेल रहा है तो आपका कुछ ज्यादा ही सटल लगेगा और ऑडियंस तक वो रिएक्शन पहुंचे ही ना. तो ये सब टेक्निकल चीजें काफी पता करने वाली थी, जो मेरे लिए बहुत नया ग्रामर था एज अ जॉनर. सो फॉर मी इट वॉज क्वाइट अ लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सो आई हैड अ ग्रेट एंकर इन दैट सेंस इन भानु, बिकॉज ही इज सो वेल वर्स्ड विद द वर्ल्ड ऑफ हॉरर जॉनर. उन्होंने इतनी पिक्चरें देखी हैं एंड ही इज रिटन सो मेनी ड्राफ्ट्स ऑफ दिस फिल्म इटसेल्फ. So he knew what he wanted. He knew how this film is going to play out till the very end. So that really helped me a lot. Okay. दूसरा सवाल मेरा सर अपूर्वा सर से है. इंडियन सिनेमा की अगर बात की जाती है और हॉरर जॉनरा की बात आती है, तो यू नो हम देखते हैं कि काफी कम उस पर अटेंशन दिया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, हम ज्यादातर देखते हैं. लेकिन अब क्योंकि आप यू नो आप आ चुके हैं बैनर के तले, आपकी फिल्म बन रही है, तो क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं आप इंडियन ऑडियंस से? और ट्रेलर तो बहुत ही शानदार लग रहा है, क्या हम इसके नेक्स्ट फ्रेंचाइज भी देख सकते हैं आने वाले वक्त में? I mean, to begin with, I think 2020, like Karan rightly said, is truly a transition year for us, you know, because from all about loving the family, it's now all about scaring the family. Of course, we are very thankful to Bhanu, and I think, like you rightly said, for a horror film, you need a director with a lot of technical expertise who understands the genre very well, and it's not an easy genre to do. World over, it's very successful. It's extremely underdeveloped in India because it's a very special genre, and like Vicky said, you need great actors and a lot of technical knowledge. So we are hoping that this one does exceptionally well, and we're able to scare everyone on the 21st, and part 2 and part 3 will follow to scare you even more. Hello. मेरा सवाल आरती सक्सेना अपूर्व जी से है. यहाँ पहली बार आप वेंचर ये भूत की फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो वो भी करण जौहर के साथ, जो कि रोमांटिक फिल्मों के लिए फेमस है. तो आपको नहीं लगा कि आप कुछ रोमांटिक फिल्में देते, डराने वाली फिल्में, वो भी करण जी के साथ? मैम, जैसे करण जी ने कहा, हमने थोड़ी फिल्में बनाई जिनके कलेक्शन से हम बहुत डर गए थे. अच्छा. इसलिए आई थिंक नाउ वी आर क्वाइट ब्रेव, एंड आई थिंक वी आर रेडी टू फेस एनीथिंग. एंड ट्रूली आई थिंक द स्क्रिप्ट वाज सो फैंटास्टिक. आई मीन व्हाट शशांक एंड भानु एंड सोमिन हैव डन टुगेदर इज रियली इनक्रेडिबल, एंड ट्रूली वी फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट स्पेशल. और करण जी से मेरा सवाल है कि 2005 में आपने काल बनाई थी, जो कि काफी अच्छी थी और मतलब आज भी याद की जाती है वो फिल्म. और मैम, यू आर वेरी पोलाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू. अजय देवगन, क्योंकि आप शायद हिंदुस्तान में पहली ऐसी महिला हैं या इंसान हैं जिन्होंने काल की तारीफ की हो. आई मीन आई डोंट आई एज आई हैव टू से दैट आई एम प्राउड ऑफ एवरी फिल्म दैट हैज कम आउट. कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं, लेकिन आई रिमेम्बर कि मैं जब काल में नहीं डरा था तो मैं बहुत डर गया था. तो आई थिंक वो इस फिल्म में मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब भूत देखी थी अपने एडिटिंग रूम में, जब भानु और शशांक ने दिखाई थी, तो मैंने आधी मैं अपने पिलो के साथ में गया था और मेरी आंखें में वाज कवर्ड राइट थ्रू द स्क्रीनिंग. मैं बहुत और मैं ओवर ड्रामेटिक हूं जब मैं ऐसी फिल्में देखता हूं, मैं चिल्लाने लगता हूं सीट में एंड ऑल दैट. सो आई एम द वर्स्ट ऑडियंस एंड पॉसिबली द बेस्ट ऑडियंस फॉर ऑल. एक्चुअली मुगले आजम भी स्टार्ट में नहीं चली थी, लेकिन वो बाद में हिट थी. तो जरूरी नहीं है कि कोई फिल्म अगर फ्लॉप है तो मतलब वो खराब है. को कहा एक एक डब्बे में डाल दो. आई मीन लाइक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, लेकिन आप बस छोड़ दो 2005 में जो रह गई बात, वो रहने दीजिए. अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि कहानी मतलब आपकी फिल्म में हमेशा कहानी रहती है. सॉरी सॉरी, आपकी फिल्म में हमेशा कहानी होती है जी. तो ये एक्चुअली इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है. हाँ, वही मुझे पूछना था. एक्चुअली ये ट्रिगर इसका जो है, इट्स फ्रॉम अ ट्रू इंसिडेंट. हम सब मुंबई वाले हैं और हम सब जानते हैं कि देयर वाज अ शिप दैट केम आउट ऑफ नोवेयर, इट वाज डॉक्ड फॉर अ फ्यू डेज. तो आई थिंक वो ट्रिगर वहीं से था, जो भानु ने एक फिक्शनल एक रियल इंसिडेंट को लेके एक फिक्शनल हॉरर कहानी बुनी है, जिसमें आप लोग ने धर्म को नहीं ऐड किया है. कोई भी धर्म नहीं है इसमें, लाइक कब्र नहीं दिखाई है या चर्च का नहीं दिखाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा कहां कहानी में ही हमारा धर्म है और इस फिल्म की और हम धर्मा है.
अच्छा मेरा सवाल भानु जी और शशांक दोनों से है, मैं यहाँ हूँ भावना शर्मा। माना कि ये म्यूजिकल फिल्म नहीं है लेकिन इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत तगड़ा है, तो क्या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह का और किसने दिया है जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है? या बैकग्राउंड स्कोर हॉरर फिल्मों में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो फिल्म को एटलीस्ट 20-30% एनहांस कर देता है। बट हॉरर फिल्मों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, आप कह लो कि हार्ट है फिल्म का, वो होता है साइलेंस। सो जितना आप साइलेंस के साथ खेलते हो हॉरर उतना अच्छा होता है। सो इट वॉज अ वेरी टफ प्रोसेस फॉर अस एंड इट टुक अस मोर देन 6-7 months टू कम्पोज द होल फिल्म, कि कहाँ पे हमें साइलेंसेज रखनी है, कहाँ पे हमें बैंग देना है, कहाँ पे हमें क्या करना है। सो एंड ऑल्सो वी वॉन्टेड टू स्टे ट्रू टू द वर्ल्ड ऑफ द शिप। एंड जैसे आप हर हॉरर फिल्मों में देखते हैं कि BGM एक तरीके का सा सुनता है, सो वी हैव ट्राइड टू क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंट विच इज ट्रू टू आर शिप। सो इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम एंड ऑब्वियसली शशांक वॉज देयर टू हेल्प मी आउट व्हेनेवर आई नीडेड एंड वॉन्टेड हिम टू कम, एंड व्हेनेवर आई वॉज कन्फ्यूज कि यू नो व्हाट डू यू थिंक शशांक, यहाँ पे क्या करें, कैसे करें, व्हाट डू यू थिंक, सो आई ऑलवेज लिसन टू हिम एंड हिज फीडबैक एंड देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट व्हाटएवर आई कुड इनटू द फिल्म एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। So we are trying, still trying to create those silences. We are still trying to create whatever we can to make it a very, very scary experience. So, Soumen, क्या वजह थी कि आप फिल्म जर्नलिज्म छोड़कर धर्मा प्रोडक्शन आपने ज्वाइन किया और कैसा लग रहा है? सवाल का कुछ लेना देना नहीं है फिल्म से, but since आपने पूछा है, मैं जर्नलिस्ट था कम लगभग एक दशक 10 years, उसके बाद बोरियत हो गई थी, so मैं लिख रहा था, स्क्रिप्ट लैब्स में था, देन आई मूव टू जंगली एंड देन आई मूव टू धर्मा, और इस तरह के जॉनर कर सके जो धर्मा में पहले नहीं हुआ है, होपफुली वर्क्स आउट सो वी कैन डू मोर सच जॉनर्स, अदरवाइज वी विल बी आउट। विकी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू, फर्स्टली द ट्रेलर इज अमेजिंग, कंग्रेट्स ऑन दैट। विकी, फॉर यू, डिड यू एट एनी पॉइंट फील लाइक दिस फिल्म वुड बी अ रिस्क फॉर यू, स्पेशली आफ्टर यू नो उरी विच वॉज सच अ ह्यूज सक्सेस फॉर यू एंड हॉरर एज अ जॉनर हैज नॉट रियली brought in a lot of money for production houses in India. So did you at any point feel like for you as a star, for you as an actor, this film would be a risk? To be honest, all these contemplations I have before reading the script. Once I've read the script, then my mind is clear regarding that script. So when once I read this script, mujhe tha ki haan yaar ye, I felt right. And then I follow my gut. And if I felt right as an audience, because whenever I read a script, I read it as an audience, ki yaar maine 300 rupees ki ticket li hai, ab main picture dekh raha hun, and I read it in one go. And whatever I feel by the end of that reading experience, I follow my gut and I meet the director, I meet the writers, and I sit with them, know their vision, and then I just dive into it. Bhoot was again one such experience where I just followed my gut. My brain works in that way that, you know, in that calculative way that if it'll be nice for me or if it'll, you know, take me somewhere or not. So, mera dimag waise chalta nahi hai. I leave that up to the producers and the directors. My work is to be honest in front of the camera. I focus there and I believe every film has its own destiny. And we always hope and pray for the best to happen with the film that we work on. And yeah. Hello, this is Sakshi from E24. My question is to Karan, sir. First of all, nice shoes. Okay, my question to you is ki you recently won Padma Shri. So how did you celebrate and what was your mom's reaction? And did Ekta Kapoor, you and Kangana Ranaut are planning up to meet and celebrate it together? To answer your first question, it was a very emotional moment for me when I received the call. I was actually on a recce for Takht. I was in the forest in the middle of Florence somewhere. It was 2 hours out of Florence. We were in this forest. I wasn't getting network. But when I finally managed to receive the call from Delhi and I was told that, you know, I had received the Padma Shri, I was in the middle of this forest looking a bit zoned, like what did I just hear? I bet I heard it right or not. I realized I had heard it right. And the first thing I did was call my mom. And of course, my mother and me, we are just complete, like, emotional wrecks in any situation, happy or sad. We cry a lot. It's our thing as a family. We do a lot of crying. So she started crying, and then I got very teary speaking to her, and it was an emotional phone call. And after that, I lost network. So 2 hours after that, I connected with everybody else and informed my close friends about what had happened. But yeah, it was a very emotional moment, and
I was very honored, not just the movie industry names that you mentioned, but to receive this with so many people from so many walks of life. It's the fourth highest civilian honor to receive, and I was very overwhelmed by the respect, you know, by just the acknowledgement given to me. And I just wish all the winners all the best from my heart. Hi, Karan. This is Ravi. Ravi from ABP News. Karan, Ram Gopal Verma ne bhoot film banayi thi aur ye title aapne unse liya hai. He was very generous to give this title. I mean, literally, we were all contemplating ke humne discussion zyada ki Ramu ko phone karne ke pehle ke wo nahi hoga, nahi milega, hume title nahi mil rahi thi. Bhoot was the correct title for the film, but humare paas nahi tha. But I said, maximum I'll hear a no, let me call him. And I was just blown by his generosity. Maine phone kiya Ramu ko aur baat ki, and he said, yeah, take it. What paperwork you need, let me know, just take it. I'm not making a film with the title, please take it. It was like in 2 seconds, he just gave me the title. And main is industry mein 25 saal se hoon, is kisam ki generosity maine nahi dekhi. Maine bahut baar, bahut logo ko phone kiya titles ke liye, mujhe nahi mila hai. Sab rakhte hain for the future. Lekin Ramu was just very, very, very generous. Unhone immediately keh diya ke hum title de denge aur aap jo bhi paperwork karna tha, aap kar loge. So it was really wonderful and I'm very grateful. All of us are very grateful to him. But mera sawal ye tha ki ye title rakhne se pehle aap kis tarah ke titles soch rahe the? Agar kuch do char title bataye jo dimag mein ghoom rahe the. I mean, I think Shashank and Bhanu will be able to. Bahut sare aade the titles the. Kaafi title the, but hum sab lock kiye the before Bhoot happened. Kaun sa tha iske pehle? The Haunted Ship. The Haunted Ship ka naam. Haan, actually, when it started, our working title was Wisdom, which was the name of the ship, the actual ship. Lekin abhi, it would be very wise of us not to call the film Wisdom. So that's why we decided to call it a lot more original film, a title like Bhoot. Ek chota sa aur sawal tha ki Netflix pe Ghost Stories aane ke baad aapne ek interview diya tha aur aapne kaha tha ki ye genre mere bas ka nahi hai, iske baad main koi bhoot se related film direct nahi karunga. Why is it so like you feel ki aap is tarah ki film khud direct nahi kar sakte? Kyunki maine kabhi life mein nahi kaha hai ki main versatile filmmaker hu. I am not at all. There are a lot of genres main kar hi nahi sakta, mujhe karni bhi nahi chahiye. Aur I think maine kar liya tha because there's always an experience you have, aur maine socha ki kahan mujhe mauka milega to kind of direct, even though short film anthology ka hissa tha. I said I'll take it up, and meri bhi horror film kafi Disney horror type thi, aisa nahi tha ki it was really scary. But maine isiliye kaha hai because I really feel it ki main iske baad kabhi direct nahi karne wala hu, kyunki I'm not comfortable, I'm not equipped, I'm not talented enough to pull off horror. Mujhe hota hi nahi hai, to main kyu karu, so that I can show my limitations out there for the world to see. I'm very happy ki maine Bhoot ko produce kiya hai. Main Bhoot 2 banaunga, Bhoot 3 banaunga, Bhoot till 10, till my children go to college, and I want to keep making Bhoot. But I don't necessarily have to direct it at all. I'm glad we have somebody within the company who actually has that expertise to kind of handle the genre. Hi Vicky, Faizan Desai from Reese Alpine. Hi. Mera sawal aapse hai, kis tarike ki, jis tarike se aapne bataya ki film start hone ke pehle aapne choti choti si cheezon pe kaafi dhyan diya, jis tarike se BGM ho gaya and music ho gaya, and aur kis tarike ki taiyari aapne kari is kirdar ko play karne ke liye, and koi jagah pe gaye aap is tarike ki haunted, koi aapne reference liye, kya kya reference liye aapne iske liye is role ko play karne ke? Nahi, main koi actual haunted jagah pe jata to main shoot pe nahi aa pata. मैं शूट पे आता था, डायरेक्टर जो मुझसे कहते थे मैं वो करता था, फॉलो करता था इनकी विजन को, क्योंकि मैं समझ गया था इन दी इनिशियल डिस्कशन दैट ही इज गॉट मच मोर एक्सपीरियंस एंड द आई टू डिटेल फॉर दिस जॉनर. तो मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा था. इट्स नॉट अ कैरेक्टर वेयर यू हैव टू लर्न अ स्पेसिफिक डायलेक्ट या कुछ कल्चरली नया है, उस तरीके की तैयारी नहीं थी, बट इट वॉज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर ऑफ दिस जॉनर एंड जस्ट फॉलोइंग द विजन ऑफ द डायरेक्टर, एंड एवरी डे सेट पे आओ, काम करो, घर जाओ, यही थी. बाकी अच्छी एक्टिंग करो बस, और ये हुआ था कि रिएक्शन से मत डराओ, एंड सिंपल एक्टिंग करो, कीप इट सिंपल, बाकी लेट द स्टोरी यू नो कम अक्रॉस टू द ऑडियंस. वी हैव जस्ट टाइम फॉर 2 questions मोर मैम. या एक्सक्यूज मी मैम, आई जस्ट, मुझे आपने shaadi.com कब से बना दिया? मैं अच्छा भला निर्माता, निर्देशक, बहुत सारी चीजें हूँ, मैं मैच मेकर नहीं हूँ, मैं लोगों के पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं घुसता. हेलो एवरीवन, आपने, मैं मिला ना, मैं, आपने देखा नहीं मैं किससे मिला?
पीछे थी जो दीवार पे, कितना ओबीडियंट था मैं उनके सामने खड़ा था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। इस ट्रेलर को बार बार देखो और उससे सवाल मत किया। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, हाय, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हाय हाय संदीप, आई एक्चुअली वांटेड टू नो, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड घोस्ट शिप एंड हाउ मच, आई मीन इज भूत इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दैट फिल्म और नॉट? Sorry, I didn't understand. Have you seen Ghost Ship? Yeah, of course I've seen it. Okay, and is the film somehow... No. Tell me now, huh? Absolutely not. I have not seen Ghost Ship. Abhi bol do. I haven't seen Ghost Ship. Abhi bol do. Pata chale, koi legal case dhos denge 20 tarikh pe. Abhi bol do. Bolna, abhi bol do, hamare dost hai hai. No, no. All right, it's not influenced from the film. It's not. It's entirely a different film and this is entirely a different film. You're sure, no? Of course. No, no, I'm also sure. First thing I did was I saw Ghost Ship. Okay, I see. No, no, no. And one more. Yeah, originality is our strength. वो भी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह कॉपी नहीं करते. And I have one more question for the makers. I mean, in India, as far as horror is concerned, it was mostly the Ramsey brothers, and now Vikram Bhatt, who kind of makes horror films. So what I wanted to ask was, what exactly are the catch points, or perhaps things that perhaps you have in consideration, taken into consideration while making a horror film? For horror films, what I did, I can tell you that, is we were super strong in our pre-production stage. So whatever the situations were, because to create a ghostly experience, we had to storyboard a lot, and then I had to share it with all my team members, including Vicky, ki ye sequence aisa hoga, ye sequence aisa hoga, ye sequence aisa hoga, yahan pe, as he said, ki music kaisa hoga, kya hoga. So everything was planned. So production mein se hume jaake, exactly what we had to do was just what we had planned, just execute that, and just go ahead with it. Because everything is not clear how it's going to turn out to be, but when if you're clear on the paper, then it translates onto the screen, and that's what we tried to do. And I think it's it worked. We have time for one last question, ladies and gentlemen. Aapne kiya hai sawal already? Nahi nahi. Aap pooch lo, pooch lo. आप जब पिक्चर देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रोमांस कितना है, डरना कितना है. अभी वो सारे डिटेल्स हम बता नहीं सकते. कितना रोमांटिक है विकी, वो भी हम नहीं बोल सकते. दिस इज प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. यू नो, वी हैव ऑफन सीन हाउ बॉलीवुड फिल्म्स, बॉलीवुड पीरियड फिल्म्स हैव ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एंडोर्सिंग इस्लामोफोबिया. But you are doing Takht, and the teaser was out yesterday. I just wanted to ask you that how conscious are you about not indulging it at a time when Islamophobia is at its peak in the country? My dear, you're talking to a filmmaker who's directed a film called My Name is Khan. My sensitivities to religions across the world will always be on point. That's something I believe as a human being, as a citizen of this great country, and generally as a world citizen. Sensitivities to everyone and everything is something we take very deep care of. Also on Takht is not a story I wrote. History wrote that story. I'm only telling it. Thank you so much. This is the last question, ma'am. You want a mic? One second. Okay, that's fine. Yeah, I can hear you. Thank you. My question is, you are into Dhamma production for the second time after Razi. So, how do you feel about that? Third, actually. Last story is over. Okay. Last story is over. Yeah, third. So, how do you feel about that? I feel great. No, your experience. I feel great because, I mean, it's a company which makes, it brings out versatile stories. I believe when it was Razi, it was Last Stories and Ghost Stories. They're completely different genres altogether. I feel really nice and really blessed that a company like that is putting trust on me as an artist. It's a big deal for me. I remember when Razi happened, it was Karan who called me to the office to discuss Razi, and then henceforth for every film. And I really feel nice. I mean, like, the journey that I've had of knocked doors for auditions and then, you know, little projects and ad films and everything. And then to have films coming from this company,
and then to be doing those films, it's a big honor for me. And thank you, Karan, for putting I actually want to end by saying something. I remember I was shooting for Bombay Velvet, and after 5 days, I asked about who this lady was with me in the scene, and they said, "Oh, she's your wife." So I had no idea that I had a wife at that time, but then I started acting even along with. Then the second time I asked this question, I said, "Who is this actor? I think I've seen him somewhere." And it was a very tiny part of Bombay Velvet, and I was told he's Shyamji ka beta hai, Vicky Kaushal, and he was with KK Menon, and he was his subordinate cop, I think, in that. We didn't have any scene together, but I remember asking, and he was literally an actor not on the radar. He was doing a tiny role, and he was doing it solidly and sincerely. And I feel very proud, actually, of Vicky's journey, especially what happened with Masaan and subsequently every film. I think, you know, a lot of talk goes on about nepotism within our industry and outside of it sometimes as well. But you have to know that I've seen actors like Vicky really climb the ladder with solid sincerity, dedication, and talent. And it takes a lot to achieve the kind of success he has with that strong head on his shoulders and always very, very, very humble about his entire journey and never really asking for like any kind of pity on his struggle days. I think he says it very, very casually and wonderfully, and I think that's what makes him so special. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We're very, very happy and excited about our film that releases on the 21st of February. We're very thrilled that, as always, all of you members of the media have always given us a lot of love and support, and we hope for it in continuity. Thank you so much. Have a good afternoon.